छोड़ना पड़ेगा। मैं मेरी सच्चाई नहीं बता सकती, लेकिन लेकिन मैं उन्हें इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तुम्हारी वजह से उन्हें या उनके परिवार को मैं किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती हूँ। उन्होंने जाने में एक नाबालिग को अपनी वीर बना दी। लेकिन इसकी सजा उन्हें ही मिलेगी। मैं उनके साथ ऐसा कैसे होने दूँ? नहीं, अब एक ही तरह घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ, मैं पहली ऐसी पत्नी हूँ जो खुद ही चाहती है कि उसका पति उसे घर से और अपनी जिंदगी से निकाल दे। हमारी किस्मत ही फूटी। थानेदार साहब के थाने में जाके उन्हें टिफिन भी देना। चल चल चल, जल्दी चल। घर से अचार की डिलीवरी के लिए निकली, सबके लिए पसंद की सब्जियां खरीदी, और अब तो थाने जा रही है जीजू साहब को टिफिन देने के लिए, और यहाँ पर तू अलग होने की बातें कर रही है। सब तो क्या कर रही है बुलबुल, थारा क्या होगा? ये सब छोड़, चल जल्दी, टिफिन देनी है थानेदार साहब को। जल्दी चल, जल्दी चल, देखा अच्छा हुआ थानेदार साहब यानी मनो ने देखकर तो मैं नहीं मिला पाती उनसे नजरें। चल सर, पूरे 7,000 देके मैंने कुआं खरीदा है। अच्छा, विष्णु जी का। अब कुआं मेरा, पानी भी मेरा, पानी इनका कैसे हुआ? क्या बात कर रहे हैं? अरे हीरा साहब, आपने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा। खरीदी के कागज देख लो, सिर्फ कुआं खरीदा है, फिर पानी थारा कैसे हो गया? अगर पानी का इस्तेमाल करना है तो मन्ने और पैसा दे। पानी मारा है। अरे मारा है। चुप, दिमाग खराब कर दिया हमारा। पानी कुआं, कुआं पानी, क्या मचा रखा है भाई ये? अब इंसाफ आप ही करो साहब, मैं और पैसे कहाँ से लाऊंगा? दिन दहाड़े मुझको फंसा रहा है। एक कुआं खरीद दिया है और पानी के पैसे दिए नहीं, तो पानी किसका? मूछ वाले काको साका। अरे अभी सर, मूछ वाले काको सा सही तो कह रहे हैं। दादो सा, आपने इनसे सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी थोड़ी ना। काको सा, आप यहाँ खड़े खड़े समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ जल्दी से उनके कुएं में से अपना पानी निकालो, क्योंकि उन्हें तो ये पानी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? हाँ हाँ, नहीं चाहिए। मेरे कुएं से पानी निकाल लो। अरे इतना सारा पानी मैं कहाँ से निकाल लूं और किधर रखूंगा? अरे दिमाग खराब हो गया क्या? तो किराया तो आपको भरना पड़ेगा ना अपना पानी रखने के लिए उनके कुएं में, जैसे वो बड़े गोदाम में देते है ना। काकू साहब, आप एक दिन के हिसाब से किराया लोगे या एक घंटे के हिसाब से? मैं तो घंटे के हिसाब से लूंगा। घंटे के हिसाब से? मन्ने माफ कर दो, थोड़ी लालच में आ गया भाई। कुआ भी थारा और पानी भी थारा, ठीक है ना? काको साहब, कभी भी लालच में आकर ना बेमानी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके मुंह पे इतना कालिक पुज जाएगा ना कि आप खाटू श्याम जी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, और आपके लिए दरवाजा सीधा नरक में जाके खुलेगा। ओ
हो गया आप दोनों का? चलिए चलिए चाहिए, हो गया इंसाफ आपका। क्या बात है बुलबुल, इतने इंटेलिजेंटली इतने स्मार्टली तुमने केस सॉल्व कर दिया। एक काम करो, तुम मेरी कुर्सी पे बैठो। हाँ सच में तुम्हारे अंदर सारी काबिलियत है एक होनहार और जाबाज आईपीएस ऑफिसर बनने की। मैंने खुद देखा। देखो तुम फाइट भी कर लेती हो, और साथ ही साथ तुम इतने इंटेलिजेंटली स्मार्टली केस भी सॉल्व कर लेती हो, तो बैठना चाहिए तुम्हें आईपीएस की कुर्सी पर। I'm proud of you. थानेदार साहब आप टिफिन खा लेना। टिफिन खा लेना या उसके अंदर का खाना, क्या खाना है? मारा मतलब आप खाना खा लेना। थैंक यू। हमारे सासरे वाले और थानेदार साहब बहुत अच्छे हैं दिव्या, फिर भी तारे को रिश्ता तोड़ना है। इसीलिए तो ये रिश्ता तोड़ना है ताकि इस गैर कानूनी शादी की सजा उन्हें ना मिले। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे होले मिल क्या मारे को थानेदार साहब से अलग होने का जबरदस्त आइडिया। क्या थानेदार साहब कब तक आएंगे? आज मैंने हर हाल में वो काम करना ही करना है जिसके बाद वो खुद गुस्से में मारा हाथ पकड़कर मारे को इस घर से निकाल देंगे। यार ये निकल ही नहीं रहा व्योम। अच्छे से साफ करो। क्या करूं? नहीं ये तो साफ ही नहीं होता। निकल जाएगा। आप लोग इतनी रात को किचन में क्या कर रहे थे बता? मैं स्कूल यूनिफॉर्म से दाग हटाने की कोशिश। आपको पता है भाभी, कपड़े धोने की साबुन से लेके नहाने की साबुन से बर्तन धोने की साबुन तक सब ट्राई कर लिया, लेकिन ये दाग निकल ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे निकलेगा। और कल स्कूल में भी यही शर्ट पहन के जानी है। अगर मिस ने देख लिया ना तो मुझे वो बहुत डांटेंगी। अभी मैं क्या करूं? बाकी बच्चों की माँ उनकी ऐसी मुश्किल तुरंत हल कर देती है, लेकिन वे उनकी माँ तो इसलिए बेचारा खुद ही कोशिश कर रहा है। मारे रहते हमारे परिवार में से किसी को कोई भी नहीं डांट सकता। और ये दाग तुम्हें चुटकियों में निकाल सकती हूँ। लो छोरी मारी बुल 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 नींबू और सोडे की जोड़ी। भाभी वाह, शर्ट काकी साहब एकदम चमक गए आप तो, बिल्कुल मारे व्योम की आंखों की तरह। थैंक यू। कोई ना डांटेगा। थैंक यू भाभी। वैसे भाभी आप इतनी रात को क्यों जाग रही हो? बस मैं समझ गया, एक अबला नारी कर रही है अपने हीरो का इंतजार और अब तक नहीं आया आपका थानेदार। भाभी वीर भाई भले ही अपने पुलिस स्टेशन के बॉस होंगे पर इस घर का बॉस कौन है? आप एक काम करो,
आज इन पे फाइन लगा दो। पता है कितनी गंदी बीमारी है, एक बार इंसान लेट आने लगे डेली लेट आता है घर पे। किस बात का फाइन? वो मैं नींद में हूं ना तो मैं कुछ भी बकवास कर रहा था, और अब तो रात भी हो गई तो ज्यादा बकवास कर रहा हूँ। आप मेरी बातों पे ध्यान मत दो, मैं तो हूं ही नहीं। वही तो मैं सोचूं, जो इंसान दिन में इतने नींद में रहता है वो रात में क्यों जगा हुआ है। अब मैं जाता हूँ सर, तू भी चल मेरे साथ। चल एक सेकंड, मेरे बिना कैसे सोएगा तू? अकेले तो तू सोता नहीं। चल मैं सुलाऊंगा।